मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आई एम वैक्सीनेटेड की स्टाम्प लगाकर प्रेरित किया। एमपी में वैक्सीनेशन महाअभियान 2.0, इंदौर में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर उज्जैन में वैक्सीन। सागर देवास ने भोपाल को पीछे छोड़ा। पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा राहुल सोनिया से प्रदेश संगठन को लेकर चर्चा हुई, फिलहाल बदलाव नहीं, उपचुनाव पर फोकस। इंदौर में 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, पिकनिक मनाने कार से महू जा रहे थे 5 दोस्त, रास्ते में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, दुष्कर्म के बाद सड़क पर छोड़ा। इंदौर में कांग्रेस के मौन जुलूस पर पुलिस के डंडे, बैरिकेड्स लांग रहे कार्यकर्ताओं को वाटर कैनन और लाठी चलाकर भगाया। एमपी में 27 अगस्त के बाद फिर एक्टिव होगा मानसून, बंगाल की खाड़ी में बनेगा सिस्टम। इंदौर में 2500 लोगों के खिलाफ एफआईआर, हिंदू जागरण मंच ने रीगल चौराहे पर किया था प्रदर्शन, पुलिस ने कहा अनुमति नहीं दी गई थी इसलिए मामला दर्ज किया। एमपी के आगर मालवा में धर्मांतरण का मामला सामने आया, इरफान ने रोहन बनकर हिंदू युवती से की शादी, शादी के 3 साल बाद धर्मांतरण करवाया। स्कूलों में प्रतिवर्ष आयोजित होगा संस्कृत सप्ताह, मुख्यमंत्री का ऐलान, संस्कृत को जन जन तक पहुंचाना जरूरी। गुणवत्ता के लिए नैक मूल्यांकन जरूरी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए विश्वविद्यालय आगे आए। राज्यपाल गंगूबाई पटेल ने विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 99वीं बैठक में दिए निर्देश। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।